हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिवानी कीवा। आज मैं बनाने वाली हूँ मंचूरियन। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मंचूरियन की रेसिपी, और चलिए आपको दिखाते हैं। मंचूरियन बनाने के लिए सब्जियों को मैंने पहले ही कट कर लिया था। आजकल सर्दियों का मौसम है तो सब्जियाँ सारी आ रही हैं, जैसे कि शिमला मिर्च और गाजर काफ़ी अच्छी आ रही है, और बंधा और फूल गोभी। तो मैंने इन सारी सब्जियों को काट लिया था, रफली मैंने काटा था, और आप देख सकते हैं रफली मैंने काटा था। और इसको एक बाउल में नमक डाल के 20 से 25 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने उन सब्जियों को मिक्सी में पीस लिया, जिससे ऐसा पेस्ट तैयार हुआ। आपको दिखाती हूँ मैं, देखिए बिल्कुल महीन हो गया है, बिल्कुल भी इसमें बड़े बड़े नहीं हैं इसमें दाने, और एकदम बढ़िया से ये पिस चुका है। तो अब इस समय हम इसमें डालेंगे बहुत ही सीक्रेट चीज़, जो कि है खाने वाला सोडा, जिससे मेरे मंचूरियन जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। चलिए इसमें डालते हैं सोडा। अब हमने इसमें डाला है एक चुटकी जितना सोडा खाने वाला, और इसमें हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने पेस्ट यूज किया है, आप चाहें तो घर का अपना कूट के डाल दीजिए। और इस पेस्ट को डाल देंगे। अभी इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, लेकिन नमक बहुत ही थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि सब्जियों में पहले मैंने नमक डाला था जिससे कि सब्जियां ये पानी छोड़ दें, इसलिए इसमें इस समय हम बहुत थोड़ा सा डालेंगे, एक चुटकी जितना ही मैं डाल रही हूँ। अब इसमें मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर, अब इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें मैदा भी मिक्स कर सकते हैं। इसको हम उतना मिक्स करेंगे जिससे कि इससे इसकी बॉल बन जाए, लेकिन अभी देखिए इतने अच्छे से इसकी बॉल नहीं बन रही है, इसलिए इसमें और डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करके आपको दिखाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने मंचूरियन। पहले मैं एक डालूंगी इसमें, ये देखने के लिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं फूट तो नहीं रहा है, नहीं तो ये पूरा तेल ही खराब हो जाएगा। इसलिए पहले एक डालेंगे, इसको सेकेंगे, उसके बाद सारे डालूंगी बाकी के। ये मैंने सेक लिया है, और इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे सेका है, और देखिए अब सेक के बिल्कुल बढ़िया से ये रेडी है। अब ऐसे ही हम अपने सारे मंचूरियन सेक के रख लेंगे। एक बार हाथ से इनको गोल शेप दे देंगे। वैसे पता है मैंने कुछ देर के लिए रख दिया है, तो ये पेस्ट थोड़ा गीला हो गया मेरा, इसलिए इसको बहुत ही देख के मुझे ध्यान से करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वारोनी लग गई मेरी बीच में, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। मंचूरियन बॉल्स मैंने बना लिया है, और ये देखिए मैंने इन्हें अच्छे से सेक लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है मेरा। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक, जो कि मैंने रफली चॉप किया है, और अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसको डाल के गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम हरा प्याज, सर्दियों का मौसम है तो हरा प्याज आ रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए मैंने इसको भी डाल दिया है। और ये मैंने डाला है सोया सॉस, ब्लैक वाला डार्क सोया सॉस है, डार्क ब्लैक सोया सॉस। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटो सॉस और चिली सॉस। अब इसमें हम डालेंगे टमाटो सॉस, ये दो तीन बड़ी चम्मच टमाटो सॉस इसमें मैंने डाला है। अब इसमें डालेंगे हम चिली सॉस, दो बड़ी चम्मच चिली सॉस, और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे वाइट विनेगर, मैं बना रही हूँ ग्रेवी वाला मंचूरियन। अगर आप ड्राई मंचूरियन बना रहे हैं तो इस समय पे इस पर डाल दें अपने मंचूरियन बॉल्स, इन्हें अच्छे से चला लें। ये देखिए, आप ऐसे ही अब इसको सर्व करके प्लेट में निकाल के उसके ऊपर हरा प्याज डाल के इसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैं डाल रही हूँ, मैं बना रही हूँ ग्रेवी वाला, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे।
इतना डालेंगे तो ये ड्राई रहेगा क्योंकि अभी इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर, तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा और ड्राई मंचूरियन बन जाएगा। इसलिए ग्रेवी वाला बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा पानी और डालेंगे जिसमें कि थोड़ी सी ग्रेवी रहे। इसमें एक उबाल आने देंगे हम अच्छे से, फिर उसमें हम डालेंगे इसमें हम कॉर्नफ्लोर। अभी ये देखिए कितना पतला है, लेकिन जब इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो ये बिल्कुल थिक हो जाएगा। अब देखिए ये अच्छे से नहीं, अभी ये उबलने की स्टेज पे आ चुका है। देखिए अब इसमें हल्के हल्के से देखिए कैसे बबल्स होने लगे हैं, तो बस ये अब अच्छे से खोलने लगा है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे क्या, कॉर्नफ्लोर डालेंगे, तो उसकी तैयारी करते हैं। इसका कलर वाइट ही होता है लेकिन इसमें सोया सॉस पड़ा हुआ था, तो उसी प्लेट में इसी कटोरी में मैंने कर दिया, इसलिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। कोई बात नहीं, ये मंचूरियन में ही जाएगा। बस ये रेडी हो गया है, अब इसको हम डाल देंगे अपने मंचूरियन में जिससे आएगी इसमें थिकनेस। ये देखिए आप इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करें, लेकिन मुझे पता था कि कितनी क्वांटिटी डालेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने उतना ही डाला है। आप लोग थोड़ा थोड़ा डालें फिर चला के तब डालें उसमें। और देखिए अब ये कितना ठीक हो गया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, बस ये नमक इसमें हम बहुत थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि सॉस में भी नमक है और सब्जियों में भी पहले से नमक है, इसलिए बहुत थोड़ा सा डालेंगे, आधी चम्मच मैंने डाला है बस। आप देखिए बन के बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं सर्व करूंगी और टेस्ट कराऊंगी। बस अब इसमें हम डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा हरा प्याज और बस देखिए कितना देखने में बढ़िया लग रहा है, डिलीशियस लग रहा है। और इसे हम खाने के लिए देते हैं किसी को घर पे पकड़ते हैं, उसको टेस्ट कराते हैं, देखते हैं इसे कौन टेस्ट करेगा। मैं प्लेटिंग नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। ये देखिए बन के रेडी है, अब इसे टेस्ट कराते हैं। ये देखो मेरी ईवा, खाने वाले दोबारा भी मांगेंगे इसको, तो इसलिए आप भी इसको बना के ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ऐसी ही रेसिपी में और लाती रहूंगी आप लोगों के लिए, और मेरी ईवा से मिलते रहें। ईवा को बहुत पसंद है।